देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ, अब तुम छुट्टी कर लो। मेरा अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पता नहीं किस टाइम मुझे दिक्कत हो जाए। आप जाया मत करो अब। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो स्वाति, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, पर यार मैं क्या करूं, काम इतना रहता है ऑफिस में, बॉस कह रहे थोड़ी देर और रुक जा, इसलिए नहीं आ पाता हूं मैं। मैं तुमसे ये कह रही हूँ, अब तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। कह दो अपने मालिक से कि मेरी बीबी को कुछ दिक्कत हो रही है, अब मेरे से काम नहीं किया जाता है। अरे स्वाति तुम टेंशन मत लो, मेरी ना छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मैं ऐसा करूंगा तुम्हें ना तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा मैं 2-4 दिन के लिए, तुम आराम से वहां रहना, तुम्हारी देख रेख भी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा थोड़े दिन बाद। ठीक है चलो, मुझे अपनी मम्मी की भी याद आ रही है, और वहाँ देखभाल करने के लिए मेरी बहन भी है, रह लूंगी कुछ दिन के लिए वहाँ। और क्या, आराम से रहना वहां पे, कोई दिक्कत हुई तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। ठीक है, पर ना जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आने की। ठीक है, जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम ना टाइम से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये मेरे घर पे छोड़ आएंगे और इनका काम भी नहीं रुकेगा, वहाँ मेरे मम्मी के साथ मन भी लगा रहेगा। ये ठीक रहेगा, मैं अपने घर ही चली जाऊंगी। कहाँ जा रहा है, रुके जो। अरे कैसे, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे बस बैठे खड़े। और बता। बस मैं बढ़िया, ऑफिस जा रहा था यार। अच्छा, अरे चला दी, ऑफिस जाता ही रहे। एक सिगरेट और लगा ले फिर, रख क्यों रहा है। और बता, पार्टी वार्टी कब दे रहा है? अब तो मैंने सुना कुछ होने वाला भी है तेरी बहू के। अरे होने तो दे, बढ़िया पार्टी करेंगे, उससे बढ़िया आके पार्टी। चल ठीक है, अभी देखेंगे तेरी पार्टी भी। हाँ और बताओ भाई तुम भी। बस मैं भी बढ़िया, और काम धंधा सही चल रहा? चलो चलो मैं चलता हूँ फिर। हैं ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी क्या, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। रात के 2 बजने जा रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए। तुम्हें भी अपने पापा की वजह से भूखा रहना पड़ रहा है ना? पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, अभी तक तो आए नहीं। आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। आप इतने लेट कैसे हो गए? कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे तुम आज? अरे कुछ नहीं यार, दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया था। पी के आए हो ना? अरे वो ना, थोड़े दोस्तों के साथ पी ली थी मैंने। चलो तुम फ्रेश हो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ। वेरी गुड, मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से भूखी बैठी हूँ, रात के 2 बज रहे हैं,
और तुम खाना खा के आए हो, तुम्हें इतना भी नहीं लगा कि मेरी बीवी भूखी होगी? जाओ यार, तुम खाना खा लो। तुमने खा लिया ना, वो ही बहुत है। स्वाति, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे क्या क्या हुआ बताओ ना। मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। अरे सॉरी ना यार, अब नहीं पीऊंगा यार। तुम्हें पता है ना मेरा तुम्हारे बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता, और अकेले अकेले तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इतना सुनसान घर में हो जाता है, मुझे डर भी बहुत लगता है। स्वाति, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब मैं ऑफिस से ना जल्दी आ जाया करूंगा। वो तो पता है कि तुम जल्दी आ जाते हो। तुम्हें पता है कि घर में पूरे दिन मेरा मन भी नहीं लगता। इतने बड़े घर में मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हारे बिगर मन नहीं लगता। चलो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ना एक दो दिन में तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, तुम्हारा वहां मन लग जाएगा। अब मुझे छोड़ के मत जाना। अरे नहीं जाऊंगा। अरे पागल, तुम इतना क्यों काम करती हो? अब तुम्हारे काम करने के दिन नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे आराम करने के दिन है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? अरे काम मैं करूंगा, तुम्हें खाना खिलाना, तुम्हें पानी पिलाना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अब बैठ जाओ, मैं काम कर लूं। अरे रहन दो, लाओ मैं खुद लगा लूंगा, तुम बैठ जाओ। तुम सिर्फ देखो। सोनी कोन्या गोरी देखी थारे वरगी, ओ सोच में मिलाप सेम मारे वरगी, बोली मैं मिठास सक्कर पारे वरगी। खाओ ना, मुंह क्यों बना रही हो? अब भी खा लो ना, पहले तुम खाओ, जब बाद में खाऊंगा मैं। मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं लो। नहीं, अब मेरा पेट भर गया, आप खा लो। अरे ना, एक चम्मच और खा लो। अब मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, अरे पागल हो क्या? अभी तो मेरे बच्चे ने खाया, अब तुम खाओगी? अब मेरे बस की नहीं है खाना। देखो समझा करो, तुम ऐसा मत करो, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। लो लो लो, बहुत छोटा सा, ये मेरे प्यार का। अब देखो हल्के से बालों में करो, मेरे दर्द हो रहा है बालों में। बाबू सही से तो कर रहा हूँ। अच्छा अमित जी, एक बात पूछो। पूछो। तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना हमेशा? अरे पागल, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो,
अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, ऐसे क्यों बोल रही हो हैं? तुम मेरा और मेरे बच्चे का साथ हमेशा दोगे ना? अरे पागल, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारा साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मेरा बच्चा हुआ अकेले? ओह सॉरी, मतलब कि हमारा बच्चा। हाँ, अब कहा ना तुमने। अरे बाबा, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। हाँ हाँ। अरे क्या इमोशनल फिल्म लगा रखी है तुमने। अरे कॉमेडी फिल्म देखो, तुम अच्छा फील करोगी, हमारे बच्चे पे भी अच्छा असर पहुंचेगा। अच्छा स्वाति, मैं ये सोच रहा था क्या तुम घर चली जाती, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। चलो ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, बीच बीच में आता रहा करूंगा तुमसे मिलने के लिए। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो छोड़ कर आ जाऊंगा मैं तुम्हें कल। ठीक है, छोड़ देना। और जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है। कब चलना है? कल सुबह चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो तुम अब सो जाओ, तुम आराम करो, ठीक है। मोबाइल दे दो, लेट। आपको पता है, तुम्हारे पापा के बिना बताए आई हूँ, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। देखो मेरे को देख के खुश हो जाएंगे, शायद सो गए हैं। ये बता तू कौन? अरे आ गया क्या स्विगी वाला? देखो स्वाति, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, we just having fun, और ये तो आजकल नॉर्मल सी बात है। Shut up, get out! हाँ हाँ चिल्ला की रही हो, जा रही हूँ। अमित जरा मेरा बैग देना। और हाँ अमित, अपनी शर्ट कल ऑफिस में आके ले जाना। और सुनो, मेरा कुछ सामान रह गया है, कल दे देना। बाय अमित। स्वाति, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरी भी कुछ नीड है। देखो स्वाति, ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है, तुम इसे सीरियस मत लो। नॉर्मल सी बात? ये तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है? अपनी बीवी को धोखा देना ये तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है? तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे तुम इतना खुश क्यों हो? अमित, तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मा हूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? अरे खुश तो हूँ, पर यार इतना जल्दी, अभी टाइम ही क्या हुआ हमारी शादी को? मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे,
और वैसे भी अभी हम इतने फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं जो बच्चे की हम देखभाल कर सके। तुम समझ रही हो ना? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझ गई कि मैं हमारा बच्चा अबॉर्ट कर दूं? देखो स्वाति, तुम मुझे गलत मत समझना, अभी हमारे लिए यही सही है। ना तुम मुझे अबॉर्शन करने के लिए बोलते, ना तुम्हारे बहन भाई माँ के मुझे ताने सुनने पड़ते कि मैं एक बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे परिवार को मैं बारिश नहीं दे सकती, कि तुम्हें पाप बनने का सुख नहीं दे सकती, और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, ये किस बात की सजा दी है मुझे? औरत सब कुछ सह सकती है, पर उसका पति किसी और के साथ ये बिल्कुल नहीं सह सकती है। देखो स्वाति, प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, उससे मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उससे मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। बिल्कुल चुप। तुमने मेरे साथ ऐसा करा, इतना बड़ा धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। स्वाति मेरी बात सुनो। आज छोड़ो मेरा। स्वाति मेरी बात तो सुनो। अरे इतनी रात में कहाँ जाओगी स्वाति? स्वाति 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 स्वाति, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? स्वाति।